जय हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिजनेस शीट। बिजनेस शीट कैसे बनाएं आज हम इस वीडियो में बताएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लिखे हुए हैं प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, परसेंट, जीएसटी, टोटल अमाउंट। तो प्रोडक्ट में किसी भी प्रोडक्ट का नाम आप लिख सकते हैं। तो चलिए किसी भी प्रोडक्ट का नाम हम टाइप करते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू, यूपीएस, किसी भी प्रोडक्ट का नाम टाइप कर सकते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है पीस। चलिए माउस 10 पीस, कीबोर्ड 7, स्कैनर 2, प्रिंटर 5, मॉनिटर 12, स्पीकर 4, सीपीयू 2, यूपीएस 3। ये क्वांटिटी है। रेट यानी पर रेट, माउस का रेट 250 रुपये, कीबोर्ड 300, स्कैनर 7000 लगाते हैं, प्रिंटर 12000, मॉनिटर 3500, स्पीकर 2000, सीपीयू 8000, यूपीएस 1200। इस प्रकार रेट है, देख रहे हैं, माउस का रेट है 250 रुपये प्रति माउस, कीबोर्ड 300, स्कैनर 7000, प्रिंटर 12000, मॉनिटर 3500, स्पीकर 2000, सीपीयू 8000, यूपीएस 1200। तो इसका अमाउंट निकालना है हमें। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी गुने रेट बराबर अमाउंट। चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख के रखे हुए हैं। देखिए अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है क्वांटिटी गुने रेट इक्वल टू क्वांटिटी गुने रेट बराबर अमाउंट। और जीएसटी निकालने का फॉर्मूला है इक्वल टू अमाउंट गुने परसेंट भागा 100। टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट प्लस जीएसटी बराबर टोटल अमाउंट। देख रहे हैं। तो चलिए हम एक्सेल शीट पर चलते हैं। तो यहाँ हमको अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे, इक्वल टू क्वांटिटी, करा कि क्वांटिटी गुने रेट। क्वांटिटी मेरा 10 है और रेट 250 है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी को। तो यहाँ पर लिख दिया B4। बी कॉलम के सामने मेरा 10 वैल्यू है और रो 4 के सामने है, इसलिए यहाँ पर B4 इंडिकेट किया। गुने, गुना का चिन्ह स्टार है, नंबर की नंबरकल की के ऊपर में है। गुने रेट कर रहा है, तो रेट मेरा 250 है। C4, सी कॉलम के सामने और 4 रो के सामने, यानी 250 जो लिखा हुआ है C4 कॉलम में है। यहाँ पर कॉलम और रो इंडिकेट करता है। अब 250 हमको यहाँ पर लिखा हुआ है सी और 4 में। अब यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस करना है,
एंटर, एंटर बटन प्रेस। तो देखिए यहाँ पर निकाल दिया 2500, ये गुना कर लिया। अब सारा को निकालना है तो फिर सीरीज करा लेंगे, यहाँ से प्लस का चिन्ह बनेगा ब्लैक कलर से पतला, तो माउस को लेफ्ट बटन को दबाकर ड्रा कर देना है। तो देखिए सारा का अमाउंट निकल गया। अब यहाँ पर परसेंट, तो किसी प्रोडक्ट के अनुसार परसेंट लगाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर 18%, 12%, 18, 18, 12, 18, 12, 18, इस तरह परसेंट है। लेकिन आपको प्रोडक्ट के अनुसार परसेंट लगाना होगा। किसी प्रोडक्ट पर 0% है, किसी पर 5% है, किसी पर 12% है, किसी पर 18% है, तो आपको प्रोडक्ट के अनुसार परसेंट लगाना होगा। लेकिन हम समझाने के लिए 18 और 12% डाल दिए हैं। तो जीएसटी हमको निकालना है, तो जीएसटी निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर बताए थे कि इक्वल टू अमाउंट गुने परसेंट भागा 100, अमाउंट गुने परसेंट भागा 100। तो यहाँ पर इक्वल टू अमाउंट मेरा ये है 2500, इसको सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट गुने, गुना का चिन्ह स्टार है, गुने परसेंट का रहा तो परसेंट मेरा 18 है, तो 18 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब भागा 100 यहाँ पर टाइप करेंगे। यदि आपको 18 के साथ परसेंट का चिन्ह लगा रहेगा तो आपको 100 टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर परसेंट का चिन्ह नहीं लगाए हैं, इसलिए हम भागा 100 लिख रहे हैं। इंटर बटन प्रेस। तो यहाँ पर जीएसटी मेरा आया 450, तो सारा को हम फिल सीरीज करा लेंगे। सारा को जीएसटी निकल गया। अब हमको टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी, देख रहे हैं अमाउंट प्लस जीएसटी। तो यहाँ पर इक्वल टू अमाउंट मेरा ये है 2500, अब प्लस, प्लस का चिन्ह दबाएंगे, और जीएसटी मेरा 450 है, इस पर क्लिक करेंगे, इंटर बटन प्रेस। तो यहाँ पर आ गया 2950, यानी अमाउंट और जीएसटी जुड़ गया। यहाँ पर 2950 आया। सारा को निकालना है तो फिल सीरीज। देखिए कितना आसानी से ये बिजनेस शीट बन गया। यदि हमको और सामान टाइप करना है, जैसे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव 4 पीस, यहाँ पर रेट लगाते हैं 5500 रुपये प्रति हार्ड डिस्क। तो देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक दे दिया, और यहाँ पर अगर हम परसेंट डालते हैं 12%, तो टोटल ऑटोमेटिक दे दिया। देख रहे हैं जीएसटी भी ऑटोमेटिक काट दिया। अब परसेंट डाले तो जीएसटी और टोटल अमाउंट निकल गया। चलिए एक बार और देखिए, एसएसडी 2 पीस, रेट 6500 रुपये प्रति एसएसडी। तो यहाँ पर निकाल आया अमाउंट 13000 रुपया। इस पर 18% जीएसटी है, तो यहाँ पर 2340 रुपया जीएसटी कट गया, और टोटल अमाउंट मेरा हो गया 15340 रुपया। तो कितना आसानी से काम कर रहा है दोस्तों, देख रहे हैं कि किस प्रकार फॉर्मूला काम कर रहा है। तो वीडियो समझ में जरूर आ गया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे मार्कशीट बनाने के लिए मार्कशीट
किस प्रकार एक्सेल में बनाया जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जय हिंद।